Hey guys, welcome back to my channel. I am Navya and today I'll show you how to make pav bhaji. So let's get started. So ये वो सब ingredients हैं जो हमें चाहिए भाजी बनाने के लिए. हमें चाहिए घिया, कसूरी मेथी, मटर. मैंने यहाँ पे स्टोर्ड मटर यूज करे, अगर आपके पास फ्रेश मटर है तो फिर आप वो भी यूज कर सकते हैं. प्याज, धनिया, अदरक, चार आलू जिनको हमें बॉईल करना होगा, और हमें चाहिए हल्दी, मिर्ची, नमक, पाव भाजी मसाला, टमाटर, धनिया पाउडर, मेथी दाने, तेल, जीरा, लहसुन और मिर्ची. सो हमें सबसे पहले हमारे आलू, घिया और मटर को उबाल देना है कुकर के अंदर, और हमें उन्हें 4-5 सीटियां तक उबालना है. और घिया जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप ले या फिर ना ले. आप इसमें बैंगन भी यूज़ कर सकते हैं, कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी सब्जियां अवेलेबल हो. तो जब तक हमारे आलू बॉईल हो रहे हैं तब तक हमें हमारा एक पैन गरम कर लेना है और उसमें हम हमारी सब्जियां फ्राई कर देंगे. अब हम इसमें तेल डाल देंगे. मैंने इसमें 4 छोटे चम्मच तेल डाला है. मैं इसमें बैंगन और कैप्सिकम भी डाल रही हूँ. अगर आप चाहते हैं, अगर आपको वो डालना है तो आप उसको कुकर में बॉईल कर दें. मैं इसमें बैंगन इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये हेल्थ वाइज बहुत अच्छी होती है और बच्चों को ये ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, मुझे भी नहीं लगती, लेकिन जब हम इसको भाजी के अंदर डाल के खाते हैं तो वो अच्छे से मैश हो जाती है और फिर बच्चों को पता भी नहीं चलता और वो खा भी लेते हैं और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है. अब तेल गर्म हो चुका है और उसमें अब मैं इसके अंदर जीरा और मेथी दाना डाल दूंगी. मैंने 1 चम्मच मेथी दाना और 2 छोटी चम्मच जीरा डाला है और अब हमें ये भी थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है. अब हम हमारा जो जीरा है वो भी हो चुका है ब्राउन और अब हम इसमें हमारे प्याज डाल देंगे. मैंने इसमें 3 प्याज डाले हैं. अब हमारे जो प्याज है वो भी हो चुके हैं गोल्डन ब्राउन और अब मैंने लहसुन का और अदरक का पेस्ट बना लिया था और अब मैं उसको डाल दूंगी. उसके बाद हम इसमें हमारी हरी मिर्च डाल देंगे. हम इसके अंदर हमारे टमाटर डाल देंगे. मैंने इसमें 5 टमाटर डाले हैं. मैं हर चीज ज्यादा ले रही हूँ क्योंकि मैं 5 लोगों के लिए बना रही हूँ. आप क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं. अब मैं इन सबको एक बाउल के अंदर मिक्स कर रही हूँ जिसमें मैंने पानी डाल दिया है ताकि उनका जो टेस्ट है वो और अच्छा आएगा उसके अंदर. सो सबसे पहले हम गरम मसाला डाल देंगे जो कि मैंने 3 चम्मच डाला है और नमक जो कि मैंने 1 चम्मच डाला है. 1 चम्मच मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मैं आलू में ऑलरेडी नमक डाल चुकी हूँ. अगर आप चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं. मिर्ची 3 चम्मच और हल्दी 1 चम्मच और धनिया पाउडर 4 छोटे चम्मच. अब हमें इनको 1 चम्मच से मिक्स कर लेना है. अब हम इसमें हमारा जो पानी है वो डाल देंगे जिसके अंदर मैंने सारे मसाले डाल दिए. अगर आप चाहें तो आप सूखे मसाले भी डाल सकते हैं बिना पानी में डाले. और अब हम इसमें हमारी कसूरी मेथी भी डाल देंगे इसके साथ में और इसको थोड़ा सा मिलाकर इसको फिर से हम ढक देंगे. अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो मसाला है प्याज का वो एकदम बन के तैयार है और हमारा जो तेल है वो एकदम ऊपर आ चुका है. इसका मतलब है कि हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छी तरीके से पक चुकी है और मैंने इसके साथ लहसुन की चटनी भी बनाई है जो कि बहुत अच्छी लगती है. अगर आप चाहें तो मैं आपको उसकी रेसिपी भी बताऊंगी अपने अगले वीडियो में. सो अब हमारे जो आलू है वो बॉयल हो चुके हैं और मैंने उनको बॉयल करके साइड में मैश करने के लिए रख लिया है. और इसमें हमारी जो घिया थी, बैंगन था और जो मटर था उसको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है ताकि वो मैश हमने हमारे आलू भी मैश कर लिए हैं और अब हमें इनको हमारी पैन के अंदर डाल देना है. सबसे पहले हम हमारा जो लौकी, मटर और बैंगन का पेस्ट बनाया था वो हम डाल देंगे और हमारे जो आलू है जिनका हमने मैश कर लिया है अब हम उसको भी डाल देंगे इसमें. अब हमारे दूसरे गैस पर हमने पैन रख दिया है जिसके अंदर हम थोड़ा सा बटर डाल देंगे और उसको मेल्ट कर देंगे अच्छी तरीके से. मेरे पास रेडीमेड पाव थे
तो मैं उनको बना लूंगी और मैं जल्दी अपनी अगली रेसिपी में आपको बताऊंगी कि पाव कैसे बनाने हैं घर पे। सो अब हम हमारे जो पाव हैं उनको सेक रहे हैं और अब मैं उस पर घी डाल दूंगी। आप देख सकते हैं कि हमारी जो भाजी है वो एकदम अच्छे से, आप देख सकते हैं कि अब इसमें सारी सब्जियां जो है वो मिक्स हो चुकी है और कोई भी सब्जी इसमें दिख नहीं रही है और इसको बच्चे आराम से खाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा और उनके अंदर बहुत सारी हेल्दी चीजें चली जाएंगी। अब हमने इसमें धनिया भी डाल दिया है। अब हमारा जो पाव भाजी है वो बनके तैयार है और आप देख सकते हैं कि ये कितनी डिलीशियस लग रही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आप मेरे एक भी वीडियो मिस नहीं करो और कमेंट करना कि मैं अपनी अगली रेसिपी में क्या बनाऊं। बाय।